नमस्कार, मैं चेतन राज एक बार फिर से हाजिर हूँ प्रगतिमान शख्सियत में, एक बड़ी शख्सियत के साथ। वह ऐसे शख्सियत हैं जो रात में जब मैं काम पे लौटता हूँ घर पे, तो उनको सुन के ही सोता हूँ, क्योंकि उनकी कॉमेडी मुझे अच्छी से नींद लगती है। और बिहार की धरती पे पहली बार बबुआ उर्फ आर्जे रौनक आ चुके हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है बिहार की धरती पे आपका। थैंक यू। कैसा लगा बिहार? बहुत अच्छा लगा और बहुत जोर का भी लगा। यहाँ पे चाहने वाले बड़े सारे हैं, उनसे सोशल मीडिया पे तो अक्सर बात होती थी, लेकिन पहली बार रूबरू होने का मौका मिल रहा है इस बार, तो काफ़ी अच्छा लगा। बबुआ का सफर स्टार्ट कैसे हुआ ये जानना चाहेंगे? रेडियो पे प्रैंक तो हम पहले भी किया करते थे, लेकिन एक दफ़े प्रैंक करते वक्त हमको एक बच्चे का कैरेक्टर निभाना और बच्चे का कोई नाम देना है या बच्चे को बच्चा ही बुलाना है, इसकी जद्दोजहद में हम थे। हम काफ़ी टाइम से उसको सोच रहे थे और अचानक से एक बार एक आवाज़ निकली और एक नाम हमारे मुँह से निकल गया, और वो पल था जब सारे कैरेक्टर्स पीछे छूट गए। वरना इससे पहले हम और भी कैरेक्टर्स की आवाज़ें निकाल के कभी किसी महिला की आवाज़, कभी किसी बुजुर्ग की आवाज़, कभी किसी पंजाबी की आवाज़, कभी किसी बिहारी की आवाज़, कभी किसी यूपी की आवाज़, तो वो सब पीछे छूट गई, सिर्फ बबुआ की आवाज़ लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो उस दिन से हम बबुआ ही करने लगे और लोगों को काफ़ी पसंद भी आया, पूरे देश में वो इतना पॉपुलर हो। बैरागी जी को कैसे लाए इसमें? वो भी हमारे एक मित्र हैं जो हमारे साथ वहाँ पे काम करते हैं, और ऐसे करते करते हमने न्यूज़ में कई बार देखा है कि कई एक्सपर्ट आते हैं, पैनलिस्ट पर बैठते हैं और पूछो कुछ और जवाब पूछ देते हैं, तो हमने सोचा ऐसे ही कैरेक्टर रेडियो में भी बनाया जाए जो मजाक में हम पूछते कुछ है और जवाब वो कुछ देता है, तो ऐसे ही ले आए उनको भी। अभी स्टार्ट में सोशल मीडिया पर काफ़ी अपने जी, और सबसे बड़ी बात उसमें आप गंभीरता भी दी, बहुत ही व्यंगनात्मक ढंग से आप बहुत अच्छा प्रकाश करते हैं, पन मंत्र इसका कैसे स्टार्ट? देखिए, मुझे लगता था ये अपने अंदर ही है, उसको खाली हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत बार होता है कि रेडियो में कम बोलना होता है और एंटरटेनमेंट की बात करनी होती है, तो हम उसमें से उतना ही कहते हैं जितना स्कोप होता है, फिर उसके अलावा फिर हम उन वीडियोस को भी बनाते हैं, उन मुद्दों को भी उठाते हैं जिसके बारे में देश बात करते हैं या लोग बात करते हैं, तो बस ये वहीं से चालू होता है। इसके ऊपर ज़्यादा हमने रिसर्च नहीं की, पर हाँ, लोग जिस बारे में बात कर रहे हैं और जिन चीज़ों को सुनना चाहते हैं, जिन पर वो हमारे विचार सुनना चाहते हैं, उसके ऊपर हम बस अपनी बात रख देते हैं। और व्यंग के रूप में इसलिए रखते हैं क्योंकि वो अच्छे तरीके से लोगों में घुल जाता है। एक्सपर्ट की तरह तो हम नहीं बोलना चाहते क्योंकि हम एक्सपर्ट खुद को मानते भी नहीं हैं, हमको लगता है हम जनता का ही हिस्सा हैं, तो उसी की तरह बात करें और थोड़ा अगर गंभीर बात को अगर हम व्यंग के रूप में कह दें या मजाक के रूप में कह दें तो ज़्यादा लोगों को याद रह जाता है, वरना वो ज्ञान लगता है। और आजकल कहते हैं लोग कि हम सब ज्ञानी ज्ञान मन बांटी, तो हमको लगता है वो वहीं से शुरू हुआ। अच्छा, आपकी स्टोरी पढ़ी है, आपने भी संघर्ष किया, इसके आज की तो आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए देशों में रहते हैं और सक्सेसफुल होना चाहते हैं? सक्सेस का शॉर्टकट तो कोई नहीं होता, वो सारे लोग जानते हैं और ये बहुत ही सिंपल सी बात है, बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कभी कभी टाइमिंग थोड़ी सही नहीं होती है, तो इसलिए हमें लगता है कि शायद हम में वो टैलेंट नहीं है या वो जगह सही नहीं होती जहाँ पे कोई बात क्लिक नहीं हो रही होती, तो हमको लगता है कि हम में ही कोई प्रॉब्लम है। खुद को डाउट करने में इशू नहीं है, आप खुद को डाउट करिए, खुद को कम आँकेंगे तभी आप ऊपर बढ़ने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन इतना भी कम मत आँकिए कि आप ओवरऑल अपने आप को डिप्रेस करें, क्योंकि डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है। आपकी तकलीफ से आपकी खुशी से एक्चुअली में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितने भी डिप्रेशन रहिए अगले दिन सूरज उगेगा, तो बेटर है कि आप उसमें एक पॉजिटिविटी देखिए, आप उसमें एक क्लैरिटी देखिए, और मेरे हिसाब से पॉजिटिविटी से ज़्यादा ज़रूरी क्लैरिटी है। अगर आपको पता है कि आपको किस रास्ते जाना है और आप सही में वहाँ चलने की कोशिश कर रहे हैं तो अपने आप को निकलेगा, और ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, क्योंकि जब तक मुझे क्लियर नहीं था कि मुझे क्या करना है तब तक मैं स्ट्रगल करता, जिस दिन मेरा क्लियर हुआ कि मुझे क्या करना है उसके बाद हार्डवर्क लगा, स्ट्रगल नहीं, फिर स्ट्रगल और हार्डवर्क में वही एक बहुत थिन लाइन होती है, तो मुझे लगता है हार्डवर्क करना ज़्यादा ज़रूरी है दैन स्ट्रगल करना। लास्ट सवाल, आप अपने बबुआ वाले अंदाज में हमारे बिहारवासी को कुछ सुनाना चाहेंगे? नमस्कार, मैं बबुआ हूँ शक्तिमान और आप देख रहे हैं प्रगतिमान। थैंक यू वेरी मच, आपसे बात करें, बहुत बहुत धन्यवाद।